सो गाइस, क्या आपके भी रेडमी नोट 10 एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में आ रही है इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग की प्रॉब्लम? सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद गाइस मैं गारंटी लेता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। 100% परमानेंट सोल्यूशन देने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस आपको वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है दोस्तों शोएब खान और आप देख रहे हैं टेक्नो शोएब यूट्यूब चैनल। और मैं गाइस आप लोगों के लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लेते रहता हूं जिसमें परमानेंट मैं दोस्तों प्रॉब्लम के सोल्यूशंस देता हूं। सो गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसमें वीडियो में समझा हुआ कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा, टेक्नो शोएब ऑफिशियल मेरा हैंडल है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट डीएम मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के साथ डेमो के साथ दोस्तों आपको मैसेज करके दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100% गाइस। तो यहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए बताता हूँ गाइस आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इस परमानेंट। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के या रेडमी नोट 10 प्रो के आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में आने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको आपको स्क्रॉल अप करना है, स्वाइप अप, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है ऐप्स का, ये ऑप्शन जो रहा। तो यहाँ पर ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे और ऑप्शन होंगे। दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ऐप्स का ऑप्शन ढूंढना है आपको, फाइंड करना है। अगर ना मिले तो सर्च बार में भी सर्च कर लेना है। तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन अगेन मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे जो मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा गाइस, इसी पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट पे नहीं करना है। करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको थोड़ी देर लोड लेगा। जैसे ही आपके सामने लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सर्च बार का ये ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करके कॉलर सर्च कर लेना है गाइस। सॉरी गाइस, कॉलर नहीं सर्च करना है, यहाँ पे डायलर सर्च करना है गाइस। तो जैसे ही आप डायलर सर्च करेंगे सो गाइस यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लाइन डायलर का सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो हो सकता है आपके फर्स्ट नंबर पे ही आ जाए, तो यहाँ पे इसको आपको क्लिक कर लेना है आके। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे भी आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको यहाँ पे बीच में जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा गाइस, इसी पे आपको गाइस क्लिक कर लेना है आके। तो मैं कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन शो होगा। सो गाइस यहाँ पे भी काफ़ी सारे फिर ऑप्शन शो होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आया तो दोबारा से स्किप कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लेना आपको शो नोटिफिकेशन वाले जो ऑप्शन है ये ऑन है या ऑफ है। अगर ये ऑफ है तो गाइस आप सबसे पहले ऑफ ऑन कर लीजिएगा, हो सकता है इसी की वजह से ना होता हो। अगर ये ऑन है तो गाइस ये तीन चार ऑप्शन मैं जिस पे आपको ऑफ करके दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने दोस्तों तीन ऑप्शन बंद किए हैं, अगर ये आपके ऐसे बंद है तब भी आपके में शो नहीं होगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन। तो गाइस इसको भी आपको ऑन कर लेना है, शो ऐप आइकॉन बैजेस एंड फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस का एंड लॉग स्क्रीन नोटिफिकेशंस का। ये चार ऑप्शंस गाइस जो स्टार्टिंग है गाइस आपको ये जरूरी होना चाहिए ऑन है या नहीं है, जो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको बैक कर लेना है, यहाँ पर सर्च बार में एक एप्लीकेशन और सर्च कर लेनी है फ़ोन की। तो जैसे फोन, जैसे आप फ़ोन लिखेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पर फ़ोन सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर भी गाइस आपको बस वही वैसे ही करना है, नोटिफिकेशंस में आना है और यहाँ पे भी चेक कर लेना है चारों के चारों ऑन है या ऑफ है। और इसके बाद गाइस आपकी 99% गाइस आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 100% करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे फ़ोन सर्विस वाला जो ऑप्शन है गाइस इसके आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे क्लियर डाटा शो होगा। यहाँ पे इसको जैसे आप क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे आपके अगेन आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले और दो नंबर पर क्लिक नहीं करना, आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है क्लियर ऑल डाटा पे। जैसे आप क्लियर ऑल डाटा पर करेंगे तो आपको ओके कर देना है, जैसे ओके पे। और तो मैं तो कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि इसमें एक रिस्क है गाइस कि आपके दोस्तों हो सकता है आपके सारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट उड़ जाएँ, इसलिए पहले आप लोगों को अपने कॉन्टैक्ट वगैरह जो है उसको बैकअप करना जरूरी है। अगर आप बैकअप करना नहीं आता तो गाइस आप यूट्यूब पर चैनल सर्च कर सकते हैं। आपकी ये सब करने के बाद 100% वीडियो सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजिटिंग माई चैनल।